हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि एक्सेल की पावर क्वेरी का जो सॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं उसे रिफ्रेश करने के लिए क्या हम कुछ ऑटोमेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एक्सेल वीबीए और पावर ऑटोमेट इन दोनों टूल का यूज करके कुछ एक्सेल पावर क्वेरी को ऑटोमेट करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तीन फाइल हमारे पास हैं, मई, जून और जुलाई की। और इन तीनों फाइल्स में कुछ डेटा है जिसे हमें अपेंड करके एक सिंगल फाइल में बनाना है। पर मेन इशू यहाँ पर यह है कि उस फाइल में, इस फोल्डर में जो डेटा फाइल जो है ऐड होती रहेंगी और जो रिफ्रेश का काम करना है वो उसे हमें ऑटोमेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर इस फोल्डर का पाथ कॉपी कर लें और यहाँ पर पहले एक क्वेरी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर, और इस फोल्डर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिक कर रहा हूँ, ओके। तो ये स्पैंड जो टेबल है ये यहाँ पर अपेंड हो गई है और इसे अब क्लोज करते हैं। अब देखिए एक सॉल्यूशन जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, इसमें वो तीनों फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं और तीनों फाइल्स का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे रिफ्रेश करने के लिए हमें एक वीबीए कोड बनाना होगा और उसके लिए भी कोई स्किल की जरूरत नहीं है, हम सिंपल उस वीबीए कोड को रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके। तो इसके लिए हम जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड मैक्रो मिलेगा। पहले आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पर, इस मैक्रो का नाम देना है, हम इसका नाम देते हैं रिफ्रेश पावर क्वेरी। इसे हम कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि तो आगे हमें यूज़ कर पड़ेगा, और ओके करते हैं। अब हमें वो स्टेप करना है जिस स्टेप से ये पावर क्वेरी रिफ्रेश होगी। देखिए क्वेरी में ही जाएंगे तो ये देखो मेरी यहाँ पर क्वेरी है, ये रही क्वेरी, क्वेरी को ही हम अब रिफ्रेश कर लेते हैं। तो जैसे रिफ्रेश करते हैं ये रिफ्रेश हो गई और अब वीबीए की जो रिकॉर्डिंग चल रही थी उसे ऑफ करते हैं, जो कि मिलेगी डेवलपर टैब में, ये रहा स्टॉप। अब विजुअल बेसिक में जाकर के हम उस कोड को देख सकते हैं, यहाँ पर मॉड्यूल्स, ये वो क्वेरी है, नेम है, सब कुछ ठीक है। ये जो है हमारा नेम है उसका, रिफ्रेश पावर क्वेरी, जो हमने पहले से कॉपी किया था। अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक फाइल को यहाँ से रिमूव करके बाहर रख देते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। तो अब हम सीधा ही मैक्रो रन कर देते हैं डेवलपर, और ये मैक्रो, ये रहा मैक्रो, रन करते हैं और अब चेक करते हैं क्या वो फाइल हट गई है। राइट, वो फाइल हट गई है, यानी मैक्रो जो है ठीक से काम कर रहा है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे और इसका एक्सटेंशन हम मैक्रो इनेबल रखेंगे, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल फाइल में मैक्रो जो है सेव नहीं होता है। तो उसकी जो मेथड है हम यहीं बाहर रख लेते हैं फाइल को, फाइल में जाएंगे, सेव एस करेंगे, और सेव एस करने के बाद मुझे इसका एक्सटेंशन चेंज करना है। तो पहले हम इस पाथ लगाते हैं और यहाँ पर मैक्रो इनेबल वर्कबुक करना है और इस फाइल का नाम मास्टर रख देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब ये जो फाइल सेव हुई है वो मैक्रो के साथ सेव हुई है, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये बाहर मास्टर फाइल है और इसके अंदर जो भी फोल्डर में फाइल होंगी वो इस मास्टर में दिखनी चाहिए, और वीबी कोड भी बन चुका है। अब इस वीबी कोड को हमें हिट करवाना है, यानी वीबी कोड अपना काम करेगा लेकिन पावर ऑटोमेट से हम उसको ट्रिगर करवाएंगे बिना फाइल को ओपन करवाए। तो इसके लिए अब हम जाएंगे पावर ऑटोमेट पर और एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो न्यू फ्लो, इसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट रिफ्रेश फ्लो। बिल्कुल सिंपल है फ्लो, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें ओपन करना है एक्सेल को, तो एक्सेल को यहां से हम लॉन्च एक्सेल का स्टेप यहां ड्रैग करेंगे। इसके बाद हम ये पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये है वो पाथ मास्टर एक्सेल एसएम,
और ओके करते हैं। ठीक है, पाथ ओपन हो गया है। इसके बाद रन एक्सेल मैक्रो यहाँ डालते हैं और मैक्रो का नाम यहाँ डालना है, तो मैक्रो का नाम ये है, सेव करते हैं। अब देखो सेव करने का तो हमें फाइल क्लोज करनी है, लेकिन हम कुछ टाइम रुकना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम भी लगे। तो अभी हमने मान लिया है कि मान लीजिए 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड के लिए हमें यहाँ पर वेट लगाना है। तो ये वेट लगाना है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल कि 10 सेकंड के लिए। वेट लगाने के बाद अब हमें फाइल को क्लोज, सेव एंड क्लोज करना है। एक्सेल में जाएंगे और क्लोज एक्सेल ड्रैग करेंगे और यहाँ पर सेव डॉक्यूमेंट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो अब ये चारों स्टेप्स हैं। अब इसे रन करने से पहले हम हमने सारी फाइल उसमें डाल दी है, मतलब ये अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें तीनों फाइलें मिलनी चाहिए। तो अब चेक करते हैं, इसे रन करते हैं। अब ये बैकग्राउंड में इसने फाइल ओपन की और ये मैक्रो रन किया, वेट किया 10 सेकंड। जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होंगे फिर ये फाइल सेव होकर के क्लोज हो जाएगी। देखिए क्लोज हो चुकी है। अब हम ओपन करेंगे फाइल को और चेक करते हैं। इसमें सारी फाइल्स होनी चाहिए, देखते हैं ये सारी फाइल्स के अंदर है। एक काम और करते हैं, एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। मान लीजिए इन फाइलों को हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, इतनी सारी फाइलें हो गई हैं। और अब दोबारा से रन करते हैं। ये क्लोज हो गया, ठीक हो गया वर्क। जरा ओपन करते हैं मास्टर फाइल को, इसके अंदर देखिए सारी फाइलें डिस्प्ले कर रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वो कौन सा पार्ट था जो आपको इसमें वीडियो में नया दिखा, और ये सॉल्यूशन आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है इस बारे में भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।